हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल बनी हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेता कि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम नदीम। तो यार बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इंडिया वालों कहाँ कहाँ पे अपना लोहा मनवाओगे यार। मतलब कि दुनिया की कंपनीज पे आप लोग राज तो कर ही रहे थे, लेकिन अब ट्विटर भी आ गया आप लोगों के अंडर और इंडियन सीईओ बन चुके हैं इंडियन बंदा। वो बहुत बड़ी खबर है। हाँ ना, ये बहुत बड़ी बात भी है और मैं तो कंग्रेचुलेशन आपको बोलूंगा इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए। आप ट्विटर का भी सीईओ इंडियन अब बन चुका है। हाँ, अभी बहुत सारे और भी इंडियन है, लेकिन अब आज जो बना है वो ट्विटर का इंडियन ही बना है। तो अब ये तो वीडियो देखिए पता लगेगा, तो देखते आगे क्या और सीन्स ऐसे हुए हैं। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हर जगह इंडियन अपना डंका मनवा लिया, यही होती है। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के एनडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, भारतीयों के लिए गर्व करने का मौका एक बार फिर से आ गया है। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, भारत ने जितनी तरक्की दुनिया के अंदर हासिल की है शायद ही कोई ऐसा देश हो जो इस मामले में भारत की बराबरी कर सके। सही का, मामला क्या है? मामला है भारतीयों ने जो पदवी हासिल की है दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाती जा रही है। सही का। गूगल हो, अल्फाबेट हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एडोब हो, आईबीएम हो, इसी के साथ अरिस्टा नेटवर्क हो, वीएमवेयर हो, पालो आल्टो नेटवर्क हो, फ्लेक्स हो, वीमियो हो, मास्टर कार्ड हो, नोवार्टिस हो, लुलू ग्रुप हो, ना जाने दुनिया के अंदर भारतीयों ने कौन कौन सी कंपनियां खड़ी कर रखी हैं और दुनिया में भारत का डंका बजा रखा है। एक एक नाम आज हम गिनाने बैठेंगे तो शायद तक शाम हो जाएगी। सही का। दोस्तों, आज भारतीयों ने जो तरक्की दुनिया के दूसरे देशों में जाकर हासिल की है वो ये दिखाता है कि भारतीयों के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। भारतीयों को एक सही जमीन की जरूरत है। सही जमीन मिलते ही भारतीय एक ऐसा पौधा बनकर पूरी दुनिया को ऐसी छांव देते हैं जिस छांव के चलते पूरी दुनिया ठंड की आहें भरती है। आज आप बताइए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को आज भारत के सीईओ चला रही हैं, तो फिर भारत गर्व क्यों ना करे। सही बात है यार, करना भी चाहिए। भारत के सामने मिठाई टेबल पर पड़ी है, प्लेट के अंदर पड़ी है, बस भारत की सरकार को अपने हाथों से उस मिठाई को उठाकर अपने मुंह में डालने की जरूरत है। भारत के अंदर नाम रोशन किया है एक और प्लेटफॉर्म पे। दुनिया के अंदर ये बड़े बड़े सीईओ क्या दिखाते हैं? ये ताकत है भारत के मिडिल क्लास फैमिली की, लोअर क्लास इनकम वाली फैमिली की, जो कि आज अपने पेट में दाना कम डालते हैं लेकिन बेटे की शिक्षा के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। बेटे की उच्चतम शिक्षा के लिए भारत की बड़ी से बड़ी आईआईटी के ऊपर एक अपना दाखिला करवाना हो या फिर दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं के अंदर दाखिला करवाना हो, भारत की मिडिल क्लास इनकम वाली फैमिली कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। और यही कारण है कि भारत पूरी दुनिया में अपना एक अलग नाम बना रहा है मिडिल क्लास फैमिली के कारण। दोस्तों, ये बातें क्या दिखा रही हैं? ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी प्राउड मूवमेंट तो है ही, लेकिन यहाँ पर भारतीयों को ज्यादा प्राउड करने की बात नहीं है। भारत तो प्राउड तब करेगा जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां भारत अपने देश के अंदर बनाएगा। आज भारतीय मूल के लोग वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन कल को यही भारत के लोग ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी बनाए इसका सपना आज हम देख रहे हैं। आप हमें बताइए कि इन लोगों ने जितनी भी तरक्की हासिल की है भारत के अंदर रहकर हासिल नहीं की है, दुनिया के दूसरे देशों में ये पढ़ने गए हैं, दुनिया के दूसरे देशों में इन्होंने किस्मत अजमाई है, वहां पर इनकी किस्मत चपकी है और इस कारण से आज पूरी दुनिया में ये अपना नाम बना रहे हैं। दोस्तों, ट्विटर के नए सीईओ को चुन लिया गया है और वो भी भारतीय मूल का है। दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने पढ़ाई की है, इनका नाम है पराग अग्रवाल। हालांकि ट्विटर पर अलग अलग लोग अलग अलग कॉमेंट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अग्रवालों के लड़के ने कमाल कर दिया है। अग्रवाल जो होते हैं मिठाई की दुकान करते हैं, मिठाई की दुकान का कारोबार देखते हैं, लेकिन अग्रवालों के लड़के ने ट्विटर का सीईओ बनकर एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। वहीं पर पाकिस्तान के नाम से अपना ऑफिशियल ट्विटर हैंडल चलाने वाले जायदू नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है कि भारत के सीईओ इन बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो सीईओ की लिस्ट है वो कुछ इस तरीके की है, जो अपने आप में एक हार्श रियलिटी को दिखाता है। भले ही पाकिस्तानी लोगों को बुरा लगे, लेकिन ये आज हार्श रियलिटी है। पाकिस्तान के लोगों को भारत के लोगों से सीख लेकर ऐसे लोगों को खड़ा करना चाहिए जो किसी बड़ी कंपनी को चलाएं। अब आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इधर हो ये वीडियो खत्म यार, मतलब कि पाकिस्तानी बंदे ने ये बात लिख दी है कि इंडियन सीईओज कौन से और पाकिस्तानी फिर सीईओज कौन से नहीं एक तवाज़न किया इधर क्या है उधर क्या है, डिफरेंस बीच में निकाला है यार। देखो इंडिया यार एंड में ज़ाहिर है मजा यार, यकीन मानो मतलब इंडिया ट्विटर का सीईओ, गूगल का सीईओ, डॉबी मडॉबी हर एक पेप्सी का सीईओ इंडिया, हमारे अलकायदा का सीईओ पाकिस्तानी यार। अल्लाह माफी दे ये क्या यार, इंडिया वालों तौबा तौबा यार, मेरी तरफ से मुबारकबाद यार, मुबारक ट्विटर का सीईओ बना है आपका नाम यहाँ पे भी रोशन हो गया कि मतलब एक टाइम था ट्विटर वो एक वो आया था ना मसला कि भाई इंडिया को थोड़ा आंखें दिखा रहा था ट्विटर, लेकिन आज वही उसी इंडियन के इंडिया के अंडर ट्विटर आ चुका इंडियन सीईओ, अब वो उस ट्विटर को हैंडल करेगा और भाई अब देखना ट्विटर और बुलंदियों को जाएगा इस इंडियन बंदे के कारण। बिल्कुल देखो किधर बम्बई आईटी में उसने पढ़ाई की, मुंबई से किधर से किधर निकल के अल्लाह ताला ने किधर से किधर उसे पहुंचा दी। ऊपर वाला जिसको चाहे इज्जत दे यार, ये देखो ना आज इसने इंडिया का पूरी इस दुनिया में नाम रोशन कर दिया है। बिल्कुल, और भाई लोग भी बहुत खुश है, किसी को मर्चे लगी हुई है और हमारे वाली साइड में मर्चे हैं, इंडिया वाली साइड में मिठाइयां बांटी जा रही हैं इस चीज के लिए, क्योंकि आज इंडिया का इतना बड़ा नाम रोशन हुआ है कि मैं कहता हूँ कि काफी मतलब हो तो रहा था लेकिन काफी टाइम से इतना बड़ी अचीवमेंट इंडिया को नहीं मिल रही, और ये आज इंडिया को इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है कि बंदा सोच नहीं सकता कि अब राज ट्विटर पे भी इंडिया करेगा। बिल्कुल वजह ऐसी और चीजें कही है जिन पे राज कर रहे हैं, थोड़ी कंपनियों के मालिक है, थोड़ी कंपनी और तब मजा भी, फिर एक इन्होंने जिस तरह बात की जब मजा भी तब है कि यही बड़े बड़े बंदे यहाँ पर आ गए इस तरह की बड़ी बड़ी इनकी टक्कर की कंपनियां खोले हो जाएगा यार, ये की अपनी हो। और यार हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, टाइम लगता है हर चीज को, थोड़ा थोड़ा करके हर चीज आगे बढ़ती है भाई। यहाँ पर देखो ना आप लोगों की कितनी बड़ी अचीवमेंट हुई यार, यकीन मानो दिल से खुशी हो रही है कि हमारा एशिया से कम कोई कंट्री का बंदा यहाँ पे फाइनली बैठ चुका है और उसको वो हैंडल करेगा। बिल्कुल जी वजह तो लाजमी करेगा, उसने बन जो गया है सारे एशिया ही आएगा उसे देश में, नहीं पूरे वर्ल्ड में। अच्छा पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ एशिया मतलब ये पूरे एशिया में नहीं है सिर्फ, ये पूरे वर्ल्ड का सीईओ बने जो ट्विटर है। वाह कमाल कर दिया इंडिया वालों, कमाल कर दिया पूरी दुनिया पे राज इस चीज को लेके। तो भाई ये बड़े बड़े ऑफिशियल यूज करते हैं ट्विटर को, कोई छोटा ट्विटर अकाउंट पता है आपको, वही ना बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट हैं, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।